तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन बिजनेस आइडिया के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस आइडिया या फिर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका, आप भी डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से लिंक से डायरेक्टली क्लिक करके आप अमेजोन पे पहुँच सकते हैं। अमेजोन पे आप ये डायरेक्टली जो ऑनलाइन बिजनेस आइडिया कैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है, इसमें आपको इसके अंदर दिया गया है करीब आपको इतने सारे तरीके और बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बताया गया है कि बहुत आसानी से आप ये सारा चीज़ रीड करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बना के बहुत अच्छा खासा ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, इसमें आप घर बैठे बैठे भी लाखों रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक सक्सेस से मिलाने के लिए लेके आया हूं बनारस में। यहां पे इनका खुद का ऑफिस है और यहां पे इन्होंने एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को आप इंडिया के किसी भी कोने से हैंडल करके कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से मोबाइल, जो आपके पास मोबाइल एंड्रॉइड फोन है उससे ऑपरेटिंग करके आप महीने के बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, और वो भी पार्ट टाइम बिजनेस। जैसे कि अगर आप दिन में अगर आप 2-3 घंटे भी अगर टाइम देते हैं तो भी एक बहुत अच्छा खासा आप अमाउंट जो है इससे कमा सकते हैं। इन्होंने इस बिजनेस मॉडल को तैयार किया हुआ है और इनसे आज हम जानेंगे पूरी बातें कि इन्होंने कैसे बिजनेस मॉडल तैयार किया और आज एक बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और आपको भी बताएंगे कि किस हिसाब से आप इनसे जुड़ के पैसे कमा सकते हैं। तो हेलो सर। तो सर, स्वागत करता हूँ आज आपका इस वीडियो में हमारे इस चैनल पे जिस सपोर्ट में। तो सर, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है और आपके बिजनेस का नाम क्या है और आप बिजनेस कैसे चलता है। देखिए सर, मेरा नाम अविनाश कुमार है। ओके, मेरे कंपनी का नाम ब्रेंजो ऑनलाइन सर्विसेज है, और ये जो आप जो बिजनेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, किस अकॉर्डिंग से बिजनेस है ये? एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जिससे लोग ऑर्डर करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे कि ये ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है। अच्छा, ऑनलाइन बेस्ड। तो जैसे कि मैंने सुना है कि ये बिजनेस आपने अभी खुद स्टार्ट किया, आपकी यंग एज भी लग रही है, काफी ओल्ड नहीं हो, तो आपने इतनी यंग जनरेशन में इतना अच्छा खासा बिजनेस जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, क्या सोच के बनाया, कि आपने दिमाग में ऐसे क्या आया कि आपने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया हुआ है आज? सर, शुरू से ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपना बिजनेस करूं। कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने इस स्टार्टअप में काम किया और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मार्केट में आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी साइट या फिर एप्लीकेशन भी है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन साइट है जहां से आप डेली की डेली घर बैठे शॉपिंग करते हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, सिटी हो, कहीं पे भी आप बहुत आसानी से घर पे बैठे बैठे कपड़े, जूते या बहुत सारी अन्य चीजें मंगा सकते हैं। लेकिन ऐसा ही इन्होंने जो इनका प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म सेम इसी के बेस पे बनाया गया है, लेकिन ऐसी जरूरतों के सामान ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे और हर जगह इस्तेमाल होने वाला, हर कोई इस्तेमाल करने वाला, चाहे बड़ा छोटा, हर कोई इसमें जो है ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है। तो चलिए पूछते हैं सबसे, सर जो आप प्रोडक्ट बताने वाले हैं जो आपने बनाया है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें, जरूरत की चीजें हैं जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करते हैं इन पे? देखिए, हमारी कंपनी में जो घर की डेली की जरूरत है, जैसे कि सब्जी, फल, किराना, पतंजलि आइटम सर्विसेज, पेंटर, प्लम्बर, लॉन्ड्री सर्विस, जितनी भी घर की नीड होती है वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूरी सब चीज़ें मिलने वाली, जैसे कि अगर आपके गांव में, एरिया में रहते हैं या फिर कहीं और रहते होंगे सिटी में भी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में टीवी या फिर कूलर खराब हो जाता है, तो कई बार आपको दूर दुकानों पे जाना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर भी वो कई बार नहीं आते, आपको बार बार उनके पास जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मेरी टीवी आके ठीक कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो बहुत भाव खाते हैं। तो इसी सबको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है ये, अगर उनको अगर सॉल्व कराना है तो डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है वहीं पे आपको ये सारा सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे जो आप एक ही आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपके डायरेक्टली घर पे आके आपका टीवी सर्विस हो सकता है। तो सर, इसमें जो बिजनेस प्रोवाइड, जो आपका बिजनेस पर्पस है वो क्या चीज़ है इसमें? जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बिजनेस करना है, ठीक है, तो जो बिजनेस है वो क्या चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें? सर देखिए, इस कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि कोई पर्सन फ्रेंचाइजी लेता है अपने एरिया में, तो वहाँ के लोकल वेंडर और सर्विस वाले को टाई अप कर लिया जाता है, कस्टमर मोबाइल के थ्रू ऑर्डर करता है, डिलीवरी बॉय सामान पहुँचाता है और पैसे लाकर फ्रेंचाइजी को देता है। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लें, जैसे मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर पर अगर टीवी खराब हो गई तो किस हिसाब से मैं इस एप्लीकेशन का यूज करूँगा जो आप बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, हमारे एप्लीकेशन में उस एरिया के सर्विस वाले या टीवी खराब है तो उसका इलेक्ट्रिशियन का नंबर होगा, आप उस नंबर पे कॉल करिए और वो आपके पास जाता है और मार्केट से सस्ते रेट पे बनाता है। ओके, तो बना दिया, लेकिन जो हमारा जो आपका फ्रेंचाइजी लेगा उसका बेनिफिट किस हिसाब से होगा? सर, बेनिफिट कस्टमर से या इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो प्राइस बताता है, वो अपना कमीशन काट के बाकी सारे पैसे उसको दे देता है सर्विस वाले को। मतलब जो आपके जो फ्रेंचाइजी होंगे वो कमीशन बेस पे काम करेंगे।
तो अगर जैसे कि हम कमीशन की बात करें तो आपके जो प्रोडक्ट हैं उन पे कितना कितना कमीशन प्रॉफिट लगता है? देखिए सर, खाने पीने के सामान में 10-20% मार्जिन होता है, सर्विसेज में 20-25% और तीसरा एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है। ओके, मतलब एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो आप उसमें एड शो करेंगे उनका भी पेमेंट उनका दिया जाएगा, उनके एरिया से जितने भी एडवर्टाइजिंग एप्लीकेशन पे होते हैं उसके 50% प्रॉफिट फ्रेंचाइजी को दिया जाएगा। 50% प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल तौर पे जैसे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें तो अगर वो पूरे महीने में अगर फ्रेंचाइजी अच्छी खासी आप प्रोवाइड कर रहे हो अगर चला के तो हालांकि कितने अमाउंट तक वो कमा सकते हैं? 70 से above कमा सकते हैं, 70,000 से। 70,000 से मतलब ज्यादा कमा सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, फ्रेंचाइजी कैसे लेना है, उसको यूज कैसे करना है, चलाना कैसे है और मैनेजमेंट कैसे करना है, तो उसके लिए क्या सुविधा आप इन लोगों को देते हैं? सर, कंपनी पूरी ट्रेनिंग उनको देती है, कंपनी उन्हें हमेशा ट्रेनिंग देती है, हर 15 दिन पे इंस्पेक्शन करती है उनके वर्क का और पूरा सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें जो फ्रेंचाइजी लेता है ऑनलाइन उनको आइडिया नहीं होते मैक्सिमम, बिल्कुल। तो हम लोग हमेशा जाते हैं कंपनी के लोग वहाँ पे और ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब डायरेक्टली ये है कि जैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो फ्रेंचाइजी आपसे लेते हैं जुड़ के तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, उनका कोई पैसा नहीं लगता है? कोई कॉस्ट नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आप इस फ्रेंचाइजी को लेते हैं, इस कंपनी से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको फुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है कि आपको बिजनेस यानी कि जो फ्रेंचाइजी आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको चलाना है और कैसे इसमें पूरा प्रोसेस जो दिया गया सारा आपको दिया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें आपको अप टू डेट रखा जाता है, क्योंकि अप टू डेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्रेंचाइजी लेना बड़ी बात नहीं लेकिन उसको चलाना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, किस हिसाब से उसे ऑपरेट करते हैं, कैसे उस बिजनेस को बढ़ाएं। तो अगर हम बात करें इसमें जो हमारे व्यूअर्स हैं अगर वो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इस फ्रेंचाइजी की फीस कितनी होगी, आप कितना फीस ले रहे हैं इस समय? सर, फ्रेंचाइजी की फीस 12,500 है, लेकिन आपके चैनल के थ्रू आते हैं तो वो आपका प्रोमो कोड बताते हैं तो उनको 2,500 डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि 10,000 में मिल जाएगा। हाँ, 10,000। तो गाइस, अगर जो डिस्प्ले पे आपका प्रोमो कोड दिख रहा है उस प्रोमो कोड को अगर आप कॉल करते हैं इनके पास, जो डिस्प्ले पे नंबर हो रहा है उस पर आपको कॉल करना है, वो प्रोमो कोड बताना है, तो आपको यहाँ पे 2,500 का डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि जो 12,500 का आपको फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ 10,000 यानी कि 10,000 में वो फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो जो आप ये 10,000 रुपए ले रहे हैं किस पर्पज से ले रहे हैं, क्योंकि आपको तो सारा कुछ उनको कमीशन बेस पे करना, सारा कुछ उनका ही करना, तो ये जो पैसे आप 10,000 रुपए ले रहे हैं फ्रेंचाइजर जो मतलब जुड़ेगा आपसे, तो किस लिए ले रहे हैं? सर, कंपनी पूरी ऑनलाइन प्रमोशन करती है, उनके एरिया में यूजर होते नहीं है तो वो ऑनलाइन प्रमोशन के लिए कंपनी पैसे लेती है, यानी कि जो आप 10,000 ले रहे हैं उनके एरिया में उस चीज उनका जो फ्रेंचाइजी होगा उसका प्रमोशन करेंगे आप, कि लोग उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें और नए यूजर बन सके, नए यूजर बन सके और उनका जो मार्केट प्लेटफॉर्म है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। हाँ सर। तो गाइस, यहाँ पे आपको पूरी ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है और 10,000 रुपए जो आपसे लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी इनके पॉकेट में यानी कि इनके जेब में नहीं जाने वाला है। दूसरा, वो आपके पैसे लेके सिर्फ आपके ऊपर ही खर्च करने वाले, यानी कि वहाँ के आपके एरिया में आपको ऑफलाइन यहाँ से इनके लोग जाते हैं, वहाँ पे आपको बताते हैं किस हिसाब से वर्क करना है, वहाँ पे आपको लोग ला के देते हैं जो आपसे माल खरीदे और वहाँ पे आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जो कि आपके एरिया में जो आपका एरिया जितना दिया जाएगा उस एरिया में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होगी, जिससे कि आपका जो माल है जो यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्विस आप दे सकें और ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें कमीशन कमा सकें। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कई हमारे जो है स्टूडेंट हैं अभी नए नए, जैसे कि अभी कॉलेज ड्रॉप हुआ या स्कूल ड्रॉप मतलब करके वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मैं देख रहा हूँ काफी लोग आना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो अगर आपसे जुड़ते हैं तो मान लीजिए जिसके पास टाइम नहीं होता, मान लीजिए कोई गाँव में रहता है दूसरा भी उसका काम है, कोई दूसरा बिजनेस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ दिन के मुश्किल से 2-4 घंटे ही एप्लीकेशन यानी कि जो आपका फ्रेंचाइजी है उसमें 2-3 घंटे ही टाइम दे पाता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा अपने मतलब जो टीम होगी उनकी? सर देखिए, ये सारी चीज़ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, बस उसको शाम को 1-2 घंटे टाइम देने होते हैं, वो भी पैसे के लिए जो पैसे सेंड करने होते हैं वेंडर के अकाउंट में, बाकी सब ऑटोमेटिक, उनके पैनल पे सब कुछ दिखता है। ओके, जैसे कि वहाँ पे एक पैनल आप मतलब वेबसाइट या फिर उनका कुछ अलग एडमिन पैनल होता है, फ्रेंचाइजी के लिए होता है, वेंडर के लिए होता है, डिलीवरी बॉय के लिए होता है, सर्विस वाले के लिए होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। मतलब सब कुछ, जैसे कि अगर हमारे किसी ने किसी कोई चीज ऑर्डर किया तो डायरेक्टली वो फ्रेंचाइजी के पास जाएगा, वेंडर के पास भी जाएगा और डिलीवरी बॉय के पास भी, तीनों लोगों के पास जाएगा। तो उसके बाद वो डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट उठा के ले जाके उनके घर पे डिलीवर कर देगा। ओके, तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, जो मतलब लोगों तक जो आम आदमी आपका सर्विस लेगा वो किस हिसाब से सर्विस ले सकता है? सर, ऑनलाइन एप्लीकेशन से मतलब डायरेक्टली उसमें ऑर्डर प्लेस करना है और ऑर्डर उनके घर पे आ जाएगा, चाहे वो आलू हुआ, टमाटर हुआ, सब्जी हुई, मतलब कोई भी चीज ऑनलाइन। तो ये जो फ्रेंचाइजी आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ पे, मतलब ऑल ओवर इंडिया है कि कोई आपका जगह पे? आप नहीं सर, ऑल ओवर इंडिया है।
तो गाइस अगर आप ये वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, यानी कि कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो डायरेक्टली डिस्प्ले पे नंबर जो दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और प्रोमो कोड लगा के आप 2500 रुपए की छूट ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जब भी आप कॉल करेंगे तो फुल इन्फॉर्मेशन, अगर इस वीडियो में आपको कोई इन्फॉर्मेशन छूट रहा है तो डायरेक्टली हमारे सर की जो कॉलर टीम है उनसे बात करके पूरी आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें सर इसमें, जैसे कि आप फीस जो आप बता रहे थे किस हिसाब से लेते हैं आपको यहाँ पे, जैसे जो कस्टमर अगर लेना चाहता है फ्रेंचाइजी, वो विजिट करेगा कि ऑनलाइन लेगा? देखिए सर, कस्टमर विजिट भी कर सकता है, कितने लोग आते नहीं ऑफिस में तो वो क्या करते हैं ऑनलाइन सब कुछ करते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से होते लोग ऑफिस विजिट नहीं कर पाते हैं, तो पूरा कंपनी ऑनलाइन सपोर्ट करती है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन भी अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, और कंपनी ट्रेनिंग देती है ऑनलाइन, और कभी कभी कंपनी के लोग वहाँ जाते भी हैं इंस्पेक्शन करने और ट्रेनिंग देने। तो अगर एक बात हम और आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई 10,000 रुपये देते हैं तो कोई आप क्या लीगल मतलब उनका देते हैं, जैसे कि 10,000 रुपये उनका बर्बाद ना हो और वो बिजनेस चलता रहे, और क्या मतलब लीगल कैसे आप उनके टाई अप करते हैं उनसे? कंपनी सर हमारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, हमारी कंपनी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और हम लोग इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि फ्रेंचाइजी कभी लॉस में ना जाए, क्योंकि फ्रेंचाइजी से हम है ना कि हमसे फ्रेंचाइजी। बिल्कुल, जब फ्रेंचाइजी रहेगी तभी आपको प्रॉफिट होगा, जब फ्रेंचाइजी नहीं रहेगी तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, जाहिर सी बात ये है सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सीधी सी बात यह है कि अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं तो आपका बिल्कुल मतलब 12,500 लगाते हैं, जो कि लगने वाला नहीं, अगर आप प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको 2,500 की छूट मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी 100% कंपनी जो है गारंटी देती है, क्योंकि जब आप काम करेंगे तभी कंपनी को प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात यह। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आपको जो है कंपनी हमेशा टाई अप में रखेगी, आपको हमेशा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और अप टू डेट रखेगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माल सेलिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, जो कि अभी हमारे सर ने आपको बताया कि 70,000 से आप ज़्यादा, यानी कि 70,000 से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं मंथली। अब वो आपके ऊपर है कि आप जितना, आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अपने लोकल एरिया में, जो कि आप एडवर्टाइजमेंट खुद से भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप माल सेल करेंगे, उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइस बस इतना सा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और अभी आप संपर्क कर सकते हैं जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट उस पर कॉल करिए, प्रोमो कोड लगाइए और फ्रेंचाइजी तुरंत ही परचेज कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।